अगर उत्तराखंड के स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे भी, तो हो जाइए सावधान। उत्तराखंड में नशे का कारोबार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज बढ़ रहा है। जहां उत्तराखंड एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता, 550 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त किया गया गिरफ्तार, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स फोर्स द्वारा एक अभियुक्त को 550 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी लगभग मार्केट कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि यमुनोत्री एनक्लेव पटेल नगर देहरादून का रहने वाला है। वहीं एंटी नार्कोटिक फोर्स द्वारा इस वर्ष अब तक कुल 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से 2,52,00,000 रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद की गई है। वहीं एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि यह स्मैक बरेली से लेकर आया था, जिसको वहां पटेल नगर व आसपास के स्कूल कॉलेजों में अपने पेडलरों द्वारा बिक्री करने के लिए मार्केट में दे रहा था, और इससे पूछताछ में कई नशा तस्करों और ड्रग्स पेडलरों के नाम भी जानकारी में प्राप्त हुए हैं, जिन पर भी आगे कार्रवाई की जानी है। देखिए पूरी खबर UK 24x7 के लिए प्रदीप भंडारी की देहरादून से। वहीं उत्तराखंड प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल UK 24x7 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हमारी जो एसटीएफ की एएनटीएफ टीम है, इसके द्वारा लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। जो भी बड़े ड्रग्स के सप्लायर हैं, उन पर फोकस कर उन पर काम करके उनको पकड़ा जा रहा है। जनवरी से अभी अगस्त तक पिछले 8 माह में 42 ड्रग्स डीलर्स को, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है, और जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशे की जो सामग्री है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2.75 करोड़ रुपए है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है, जो एसटीएफ की गढ़वाल टीम है, इसके द्वारा कल देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 550 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपये है। और ये जो रहने वाला मूल रूप से देहरादून का है, और ये बरेली से लेकर आ रहा था ड्रग्स को, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, 2 बार NDPS के केस में जेल भी जा चुका है, और इसमें इसके पूरी बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम किया जा रहा है। इससे पूछताछ में कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं कि किससे लेकर आ रहा था, आगे किसको सप्लाई करता था, तो उन सभी लोगों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।